स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और इस वीडियो में मैं फिर से बात करूंगी एआई की ही, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप एआई की हेल्प लेकर के अपने लिए काफ़ी सारे शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो रील्स के लिए हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए। सारे जो आप वीडियो क्रिएट करेंगे वो कुछ ही मिनटों में आप क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको इसमें एआई की हेल्प लेना है। और भी एक टूल है जिसकी हेल्प से आप इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे, तो जुड़े रहिए लास्ट तक इस वीडियो के साथ में। मैं आपको सारी प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरह से आप कुछ ही मिनटों में अपने लिए 2 महीने तक का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ ये वीडियो। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। और किस तरह से आपको शॉर्ट्स बनाने, तो उसके लिए तो हम एआई का यूज़ करने वाले हैं। तो ये एआई के रूप में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को। तो चैट जीपीटी से अब हम क्या लेने वाले हैं, तो आपने शॉर्ट के लिए कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है, जिस टॉपिक पे भी आप शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर मोटिवेशनल कोई क्वेश्चन चाहते हैं तो वो हो सकता है, और भी जो भी आप शॉर्ट के लिए चाहते हैं, जो भी टॉपिक आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैं रिडल्स के ऊपर शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, चैट जीपीटी पर जा कर के और यहाँ पर हम सर्च करते हैं कुछ रिडल्स। तो रिडल्स में यहाँ पर मैंने डाला है कि 20 पजल्स चाहिए है, और वो भी टेबल फॉर्मेट में विथ आंसर। तो यहाँ पर मैंने ये सर्च किया और यहाँ पर मैं कुछ पजल्स निकालती हूँ। तो जो भी पजल्स यहाँ पर आ जाए, नॉर्मली मैंने यहाँ पर 20 पजल्स मांगी थी, वो यहाँ पर इसने दे दी हैं। और इसी तरह से और भी आप जितनी चाहें, अभी तो मैंने यहाँ पर 20 निकाले हैं, आप 50, 100 अपने हिसाब से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी 20 पजल्स निकाली थी, और आप चाहें तो इसके आगे और भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिडल्स दे दी हैं, अब इन रिडल्स को हम लेके चलते हैं वहाँ पे जहाँ से आप एक साथ में, जैसे यहाँ पे मैंने 20 निकाली हैं, 10 निकाली हैं, तो सीधे सीधे 10 आप एक साथ में बना सकते हैं, और फिर जब चाहे इसे आप अपनी YouTube शॉर्ट पे या रील पर अपलोड कर सकते हैं। तो किस तरह से आगे की प्रोसेस है, और कॉपी पेस्ट करने के बाद ये कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले हम वहाँ पर चलते हैं। देखिए हम चलेंगे कैनवा के अंदर। तो जैसा कि भी मैं कैनवा के अंदर आ चुकी हूँ, और कैनवा में आपको किस तरह से ये काम करना है, तो कैनवा में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है यूट्यूब शॉर्ट या फिर रील्स ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पर आपके सामने तो आ जाएंगे, और भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से किस कैटेगरी में चाहिए क्या चाहिए। तो अभी हम किसी एक को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मोबाइल वीडियो में हमें इस तरह का ये स्पेस, जिस तरह से आप देखते हैं इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब शॉर्ट पर, तो उस हिसाब से ठीक है। इसको भी हम ब्लैंक कर लेते हैं, कोई अच्छा सा एक बैकग्राउंड हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और वीडियो फॉर्म में ले लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप मोशन बैकग्राउंड लें, सिंपल प्लेन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पर सब आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला कोई सा ले लेते हैं, ये ठीक लग रहा है। ये इस तरह से बैकग्राउंड ले लिया है, ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पर डन हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ टेक्स्ट यूज करना है, तो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी अच्छा सा। रिडल और इसके पीछे अगर बैकग्राउंड चाहते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप जाके देखेंगे इफेक्ट्स के अंदर। अगर बैकग्राउंड नहीं चाहते आप रिडल के पीछे, तो हटा भी सकते हैं, अभी तो यहाँ पे ले लिया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है हम कुछ पिक्चर ले लेते हैं, जैसे थिंक गर्ल,
थिंक गर्ल भी ले सकते हैं, बॉयज़ भी ले सकते हैं, जो भी है अभी कुछ भी यहाँ पे जो सोचने वाला कुछ भी ले लेना है, तो कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको सिलेक्ट कर लिया है और जहाँ भी आपको ठीक लगे वहाँ पे इसको रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको रख दिया और यहाँ पे टाइमिंग भी इसकी आप सेव करेंगे और यहाँ पे एनिमेशन भी आप दे सकते हैं किस तरह से आप चाहते हैं। ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ये हो गया। ये हो चुका है और टाइमिंग भी यहाँ पे हम सेट करेंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, रिडल, अभी यहाँ पर रिडल हम लिखेंगे और ये होने के बाद यहाँ पे हमें आंसर भी चाहिए है, तो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक रिडल लिख लेते हैं। कॉपी पेस्ट करके ये हमने कॉपी पेस्ट कर ली है और ये कुछ इस तरह से दिखेगी बैकग्राउंड। तो इसमें एक और है कि अगर बैकग्राउंड आप पीछे नहीं चाहते तो इसको हम हटा सकते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया और इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लें। बाकी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अगर टैक्स आप कुछ और टैक्स चाहते हैं, कुछ इस तरह से टैक्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। कलर यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम ब्लैक, ब्लैक थोड़ा दिखेगा। ब्लैक की जगह ब्लू करके देखते हैं। ठीक है, ब्लू कलर हो गया। ब्लैक ही कर रहे हैं, इफेक्ट यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, अभी ठीक दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कौन सा कलर कैसे टैक्स लेना है, सब यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आती है बारी यहाँ पे, अब हमें ये डिसाइड करना है कि किस तरह से ये आएंगे। एनिमेशन यहाँ पे कर सकते हैं आप, एनिमेशन में आपको कोई भी जिस तरह का भी इफेक्ट चाहिए है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आराम से, जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से। ये नहीं चाहिए, ये ठीक है, ये ठीक लग रहा है, ये इफेक्ट ले लिया। अभी यहाँ से प्ले करके देख लेते, पहले रिडल्स है और ये होने के बाद अभी यहाँ पे ठीक है, ये ऐसे चलेगा और यहाँ पे हम कुछ टाइमर सेट कर लेते हैं। तो टाइमर यहाँ पे आपको एक टाइमर की जब तक ये होता है 9 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे टाइमर यहाँ पे एंड होता है इस
का हम एक पोजीशन सेट कर देते कि यहाँ तक ही इसको रहना है, तो यहाँ से आप शो टाइमिंग कर देंगे कि आप कहाँ तक चाहते हैं टाइमर को। तो यहाँ से ये हो गया, और यहीं से जो आपकी रिडल का क्वेश्चन है उसका भी हम यहाँ पे टाइम कर देंगे कि हमें कितना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा आएगा सीधा आंसर। तो अब म्यूज़िक देख लेते हैं। तो म्यूज़िक का आप यहाँ पर आपका जो फ्री म्यूज़िक हो, जो जिसमें कॉपीराइट ना आए, तो उसके लिए आप YouTube लाइब्रेरी से भी यूज़ कर सकते हो, और भी जो अदर साइट हैं वहाँ से ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। ऐड कैसे करना है, आपकी ऑडियो जो ऑप्शन होगा कैनवा में, तो वहाँ पर आ जाएगा और आपको बस यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो नीचे आपका जो म्यूज़िक है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और म्यूज़िक की अगर आप वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर ऑप्शन है, ऐसे वॉल्यूम ज़्यादा भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। और ये हमने इतना पोर्शन बना लिया। अब जो क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे रिडल्स एक साथ हम कैसे एक बार में बनाएं, मतलब कुछ ही मिनट में बन जाएगा, तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हम कैनवा पर आ जाएंगे। कैनवा में एक ऑप्शन होता है ऐप्स में जाके, ऐप्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बल्क का ऑप्शन। ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास में कैनवा प्रो हो, तभी आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे एंटर डाटा मैन्युअली, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे ये जो डाटा, इसको हम क्लियर करते हैं। और अगर आप चाहें तो गूगल सीट का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर अपना पूरा जो भी आपका रहेगा टेक्स्ट वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ से कॉपी करके भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट चैट जीपीटी से ही कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, कंट्रोल सी से मतलब कॉपी। ठीक, तो सारा जो टेक्स्ट था, जो रिडल थी टेबल फॉर्म में, उसको हमने वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पेस्ट हो गया है। और आप चाहें तो यहाँ पर और ऑप्शन अगर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे डाटा को कनेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन आएंगे, रिडल और आंसर। क्योंकि हमने अपनी जो रिडल जो बना रहे हैं उसमें हम सिर्फ रिडल रखा है और आंसर रखा, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ गए, रिडल और आंसर का। अब इनको आपको पहले कनेक्ट करना होगा, डाटा कनेक्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर रिडल ली हुई है, इसको आप ऐसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ऐसे क्लिक करने के बाद को आपको ऑप्शन आएगा कनेक्ट डाटा। तो आपको जो सारे डाटा को कनेक्ट करना है कि रिडल में आपको कौन चाहिए और आंसर में क्या। तो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया इसको, तो कनेक्ट कहाँ करना है आपको, रिडल के साथ आप चाहिए आंसर, तो यहाँ पर हम करेंगे रिडल के साथ कनेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये टिक हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपको आंसर के लिए भी करना है, तो जहाँ आपका आंसर है आप वहाँ पे चलेंगे, और यहाँ से हमारा जो आंसर आता है ये है, इसके डाटा को भी अब हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। तो आंसर का डाटा हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, आंसर में क्लिक करेंगे, तो देखेंगे आप यहाँ पर आंसर पे भी टिक हो चुका है। तो देखिए, यहाँ पर हमने कनेक्ट डाटा कर दिया, जहाँ रिडल हमने रिडल के साथ कनेक्ट किया है, जहाँ हम चाह रहे थे रिडल्स वो रहेगा, और जहाँ पे हम चाहते हैं आंसर है तो वहाँ पर होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा या स्टेप होगा, वो ये होगा कि यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, तो आपने जितनी भी यहाँ पर रिडल्स ली थी, जैसे मैंने अभी यहाँ पर सारी 20 रिडल्स ली हुई हैं, इन सबको हम अब जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक जनरेट पर। जनरेट करने पर ये दूसरे विंडो में ले जाएगा आपको, जहाँ पर ये सारी बल्क जो हमारी रिडल्स हैं जो हमने बनाई हैं, वो बल्क फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएंगी। और यहाँ पर हमें देखना है कितनी रिडल्स यहाँ पर आई हैं, तो प्ले करके देखते हैं। तो देखिए, हमने रिडल फॉर्म रखा था और यहाँ पे ठीक उसी तरह से रिडल आया, और रिडल के साथ में टाइमर चल रहा है। टाइमर जैसे ही यहाँ पर ख़त्म होगा और आपको तुरंत यहाँ पर आंसर दिखाई देगा, जैसे ये इस तरह से रहा। उसके बाद में फिर दूसरी रिडल आई, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि कुछ चेंज अगर करना है, जैसे यहाँ पर ये जो रिडल है तो काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और यहाँ पर जैसा भी आपको ठीक लगे कि हाँ कुछ एडजस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी ठीक कर सकते हैं। साथ में आंसर भी आपको मिलते जाएंगे, मतलब जिस तरह से हमने इसको पोजीशन दी है कि रिडल के साथ बाद में आंसर आए।
ठीक है, तो इस तरह से आप, मैंने यहाँ पे 20 रीडल्स बताई हैं, आप आगे और भी 50, 100 उसके ऊपर भी इस तरह से सारी रिडल्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और अब इन सबको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लीजिए जहाँ भी आप अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं, ये इस तरह से सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ ही मिनट में आप देख सकते हैं कितना टाइम यहाँ पर आपको लगा, मतलब कुछ ही मिनटों में बस आपके पास में रिडल्स हों, बस आपको कैनवा में जा करके कॉपी पेस्ट करना है और उसके बाद में सिर्फ जनरेट कर देना है। तो इसने कुछ ही मिनट लिए और इसने आपको इतनी सारी जो शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके दे दिए। तो इधर सिंपल सा छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने लिए शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में और लेकर आऊँगी एक और नया वीडियो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी।